ऑटो रिक्शा चालकों के जीवन को प्रभावित करने वाले के नियमों में बदलाव एवं ऑटो रिक्शा चालकों की मुख्य समस्याओं के निस्तारण हेतु ऑटो रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि मंडल मंडलायुक्त से मिला और अपनी बात रखी। प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि ऑटो रिक्शा चालकों के जीवन को प्रभावित करने वाले ऑटो के नियमों में बदलाव अति आवश्यक है। मृताश्रित वारिसान के नाम ऑटो रिक्शा परमिट के 2 वर्ष के समय के प्रतिबंध को हटा करके वारिसान परिवार के प्रतिबंध रोजी रोटी रखने हेतु परमिट के नवीनीकरण किए जाए। गंभीर बीमार परमिट नवीनीकरण चालकों को ऑटो रिक्शा के परमिट से भी समय अवधि समाप्त करके परमिट का नवीनीकरण किया जाए। 11 वर्ष से अधिक समय से बंद ऑटो रिक्शा के नगर केंद्र के 450 परमिटों को बहाल किया जाए। इंपीरियल तिराहा स्थित ऑटो रिक्शा स्टैंड के स्थान पर एक सरकारी बिल्डिंग बन गई है, जो ऑटो स्टैंड को निकट ही उचित स्थान पर आवंटित किए जाए। प्रतिनिधि मंडल में सिटी ऑटो रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष किशन लाल सिंह, उपाध्यक्ष राकेश कुमार, महामंत्री प्रवेश कुमार, दिलशाद हुसैन, सादिक अहमद आदि लोग मौजूद थे। मैं किशन लाल सिंह मेरा नाम है और मैं सिटी ऑटो रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन मुरादाबाद का अध्यक्ष हूँ। क्या समस्या है आज? आज ऑटो चालकों की समस्याओं को लेकर हम लोग मंडलायुक्त महोदय से मिले। मुख्य समस्याओं में मृतक आश्रितों के नाम ऑटो रिक्शा परमिट का और ऑटो रिक्शा का ट्रांसफ़र बड़ी कठिनाई से होता है। उस कठिनाई को समाप्त करने के लिए मृत्यु के बाद में प्रमाण पत्र देने के बाद, परिसर सर्टिफिकेट देने के बाद में वो सीधे उसके नाम कर दिया जाए, उसकी रोजी रोटी, उसके परिवार की रोजी रोटी चल सके, ये हमने निवेदन किया है। और परमिट की आयु 2 वर्ष पर जो है सीमित कर दी है। इस रोक को लगाने से बहुत सारे ऑटो चालक प्रभावित होते हो गए हैं, क्योंकि कई बार बीमार भी हो जाते हैं तो इससे वो नवीनीकरण नहीं करा पाते। इस समस्या को लेकर हम मिले हैं, हमने अपने एक ऑटो स्टैंड की भी समस्या उठाई है। मंडलायुक्त महोदय ने हमें बहुत ही शालीनता से, गंभीरता से सुना और हमें आश्वासन दिया कि वो कार्रवाई करें।